हेलो दोस्तों, मैं हूँ प्रणव सिंगल और भाई आज के इस वीडियो में मैं आपको रिव्यू देने वाला हूँ होंडा सिटी का। तो भाई ये जो आप गाड़ी देख रहे हो, मतलब भाई बहुत ज़्यादा बिकती थी एक टाइम पे। इसका मतलब भाई अलग ही क्रेज था लोगों में कि भाई मतलब इसकी लुक्स भी काफ़ी बढ़िया है, गाड़ी की भागने में भी सही है, अपने डीजल इंजन में भाई माइलेज भी बढ़िया है और पावर भी बढ़िया है गाड़ी में। तो मतलब भाई हर चीज़ में ना ऑलराउंडर पैकेज थी ये गाड़ी। तो भाई इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आखिर भाई इस गाड़ी में आपको क्या मिलता था, ऐसा मतलब क्या बढ़िया फीचर थे इसमें। मतलब भाई जो लोग उस टाइम पे इसके लिए बहुत ज़्यादा पागल थे इस गाड़ी के लिए, मतलब भाई होंडा की है, होंडा गाड़ी, होंडा की चाहिए, तो मतलब भाई आखिर क्या था इस गाड़ी में। तो भाई फिर चलो वीडियो कर देते हैं स्टार्ट। तो सबसे पहले इसकी फ्रंट लुक से अगर फ्रंट लुक कुछ आपको ऐसे मिलती है, और भाई सबसे पहले अगर हम फ्रंट में ग्रिल की बात करें तो भाई ग्रिल इसकी अभी फिलहाल टूटी पड़ी है और यहाँ पे आपको मतलब बीच में होंडा का लोगो मिल जाता है, एकदम बड़ा बड़ा लोगो। और यहाँ पे भाई ग्रिल के अंदर मैं आपको दिखाता हूँ कैसी होती है, जो ये क्रोम का काम होता है भाई, देखो अंदर इसमें ऐसी फैब्रिक सी होती है लगी हुई, तो बाहर की साइड आपको ऐसी प्लेटिंग मिलती है क्रोम की। और नीचे बात करें तो भाई नीचे आपको कुछ रेडिएटर ग्रिल वगैरह के लिए आपको यहाँ स्पेस मिल जाता है, यहाँ मतलब ऐसी आपको यहाँ मिलता है नीचे, और यहाँ पे आपको मतलब लाइसेंस प्लेट वगैरह लगाने के लिए जगह मिल जाती है। और अब अगर हम बात करें इसकी हेडलाइट यूनिट की, तो भाई हेडलाइट में आपको यहाँ पे हेडलाइट लैंप मिलते थे, इसके बीच में आपको इसकी हाई बीम मिल जाती थी और यहाँ पे आपको इसकी लो बीम मिलती थी। और भाई नीचे की साइड आपको यहाँ पे टो करने के लिए कुछ ऐसे वो मिल जाता है, यहाँ पे आप इसको हटाओगे तो आप यहाँ से गाड़ी मतलब टो वगैरह करने के लिए यहाँ पे दे रखे हैं हुक। और ये मतलब पूरा बम्पर है अपना, और भाई बम्पर वगैरह की हालत कुछ ज़्यादा अच्छी नहीं है, मतलब ऐसी है भाई, टूटी सी होती है गाड़ी आगे से। तो भाई मतलब देख लो आप, ठीक है, मतलब भाई अपने जिसको लंबी गाड़ी चाहिए, भगानी भी है, हर चीज़ के लिए चाहिए, तो भाई उसके लिए बढ़िया है गाड़ी। तो भाई फ्रंट लुक तो कुछ आपको ऐसे मिल जाती है इस गाड़ी की, जैसे कि सेडान है, तो मतलब भाई इनमें ना आपको विंडशील्ड जो होती है काफ़ी ज़्यादा मतलब रेसिंग कार की लुक देने के लिए ऐसी बनाते हैं कंपनी वाले। अगर अब हम बात कर लें इसकी साइड प्रोफाइल की, तो भाई साइड में आपको कुछ ऐसा डिज़ाइन मिलता है इस गाड़ी में, ऐसी लगती है भाई गाड़ी साइड में देखने में। इसमें आपको सिंपल 185/65 15 इंच के सिंपल स्टील व्हील मिलते हैं। और अब बात करें तो भाई इसमें आपको हैजार्ड लैंप यहाँ की जगह यहाँ मिलते हैं, क्योंकि भाई बेस मॉडल है। और भाई ऊपर की साइड आपको कोई रूफ रेल वगैरह मिलती नहीं है इन गाड़ियों में, मतलब काफ़ी ज़्यादा वाइड है इनके जो शीशे वगैरह है ना, आगे पीछे साइड से हर जगह से काफ़ी ज़्यादा वाइड है। और हैंडल आपको कुछ ऐसे मिल जाते हैं इनमें। और पीछे से अगर हम बात करें तो भाई पीछे की साइड आपको कोई वाइपर वगैरह तो मिलता नहीं है इस गाड़ी में, और यहाँ पे आपको ऐसे शार्क फिन एंटीना मिल जाता है, पीछे कोई स्पॉइलर वगैरह इन्होंने लगवा नहीं रखा, और मेरे ख्याल से टॉप मॉडल में देते होंगे वो। यहाँ पे आपको सिटी एसवी की बैजिंग मिल जाती है, यहाँ पे आईडी टेक क्योंकि डीजल इंजन है, और यहाँ आपको होंडा की बैजिंग और बीच में होंडा का लोगो। और बाकी भाई लाइट की अगर हम बात करें तो लाइट में आपको यहाँ पे हैजार्ड लैंप मिलते हैं, यहाँ पे आपको ब्रेकिंग लाइट मिलती है दोनों साइड, यहाँ पे रिफ्लेक्टर की तरह काम करता है जो ये, और बीच में आपको ये रिवर्स लाइट के लिए दे रखा है। यहाँ पे अगर बात करें भाई बैक साइड में, तो भाई रेयर में आपको यहाँ पे 4 पार्किंग सेंसर मिलते हैं, और नीचे की साइड भाई आपको रिफ्लेक्टर मिल जाते हैं, जो कि भाई आप मॉडिफाई करवा के इनमें लाइट वाले भी लगवा सकते हो। और भाई अगर हम इनकी ग्राउंड क्लियरेंस की बात करें ना, जितनी भी सेडान आती है, इसकी होंडा सिविक ले लो, होंडा सिटी ले लो, मतलब भाई जितनी भी गाड़ी आती है ना, 165 mm की आपको ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाती है इन गाड़ियों में। तो भाई अब बात कर लेते हैं मेन इस गाड़ी के अंदर आपको अंदर क्या क्या फंक्शन मिल जाते हैं। भाई बाहर से तो हमने देख ली, जो भाई लोग चलाते हैं ना उनको मेन अंदर से फर्क पड़ता है। तो भाई मेन अब देखते हैं अंदर इसमें क्या क्या मिल जाता है आपको। तो भाई अंदर बैठते ही ना, मैंने आपको एक डोर वगैरह नहीं दिखाया, तो भाई डोर में मैं भाई कुछ है भी नहीं दिखाने के लिए, मतलब भाई काफ़ी ज़्यादा लाइट हो रहे हैं या फिर ये फ्री हो रहे हैं शायद। तो यहाँ पे आपको ऐसे कुछ प्लास्टिक का काम मिलता है यहाँ पे सब जगह, और यहाँ पे भी आपको प्लास्टिक है। तो भाई ये डोर में पता नहीं क्या हो रहा, मतलब अपने रुक ही नहीं रहे भाई एक जगह, अपने या तो पूरा खोलो या फिर पूरा खोलने पर भी नहीं रुक रहे भाई, आ रहे हैं अपने वापस। तो मतलब भाई डोर शायद फ्री हो गए हैं इनके, तो ज़्यादा ही हैवी यूज़ करिए इन्होंने। तो भाई मतलब यहाँ पे प्लास्टिक मिलती है आपको सब जगह, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, और यहाँ पे आपको सिंपल फैब्रिक इंसर्ट मिल जाते हैं इस गाड़ी में। और ये आपको ट्विटर मिलते हैं, यहाँ पे आपको स्पीकर मिल जाते हैं, और आपको ड्राइवर साइड ऑटो डाउन और ऑटो ऑफ वाली विंडो मिलती है, बाकी आपको सारी नॉर्मल मिलती है तीनों विंडो। यहाँ पे आप इसको लॉक अनलॉक कर सकते हो, यहाँ से आप विंडोज़ को लॉक भी कर सकते हो। तो भाई अब कर लेते हैं गाड़ी को बंद, और अब बात कर लेते हैं भाई कि अंदर क्या क्या है भाई इस गाड़ी में। तो भाई अंदर इसमें देखो भाई ऐसा कुछ मिलता है, बाकी जैसे कि बेस मॉडल है तो यहाँ पे आपको कोई टच स्क्रीन तो मिलता है, लेकिन भाई अगर बात करें ना इसमें एसी की, भाई बेशक ये बेस मॉडल है पर लेकिन इसमें भाई फिर भी आपको ऑटोमेटिक एसी दे रखा है। इस पर मैं आपको बताऊंगा अच्छे से एक बार कि भाई क्या क्या मतलब क्या क्या सिस्टम है इसका एसी का। फिलहाल बात कर लेते हैं भाई इस साइड से, तो मतलब भाई यहाँ पे आपको एसी के वेंट मिलते हैं भाई, ये ORVM है, इनको आप यहीं से एडजस्ट कर सकते हो देखो ऐसे, मतलब भाई आपको विंडो में दिख नहीं रहे होंगे पर लेकिन आवाज़ भी आ रही है और हो भी रहे हैं, बहुत धीरे हो रहे हैं, लेकिन यहाँ पे आप इसको एडजस्ट कर सकते हो। और यहाँ पे आपको लेवल करने के लिए ऐसे स्विच मिल जाते हैं। और बाकी भाई बात करें इसके स्टीयरिंग व्हील की, तो भाई आपको इसमें पावर स्टीयरिंग मिलता है, तो यहाँ से आप इसके मतलब मीडिया वगैरह कंट्रोल कर सकते हो, यहाँ से आप इसका क्रूज कंट्रोल भी कर सकते हो कंट्रोल। और भाई ये बहुत बढ़िया बात है कि आपको इसके बेस मॉडल से क्रूज कंट्रोल का भी फीचर मिलता है।
आपको इसमें क्रूज कंट्रोल का भी फीचर मिल रहा है भाई इस गाड़ी में। और यहाँ से आप इसके मतलब वाइपर वगैरह कंट्रोल कर सकते हो, यहाँ से आप इसकी लाइट वगैरह कंट्रोल कर सकते हो। तो मतलब भाई आपको ये सारी चीजें मिल जाती हैं। और यहाँ से अगर मैं आपको एक बार इसका हॉर्न सुनाऊं तो आपको कुछ ऐसा हॉर्न मिलता है इसमें। और भाई यहाँ पे आप फोन काटने और उठाने के लिए आपको यहाँ पे फंक्शन दे रखे हैं। और भाई यहाँ पे आपको कुछ ऐसी MID मिल जाती है। MID के ऊपर भाई मैं आपको अलग वीडियो में ही बताऊंगा, मतलब एक वीडियो में भाई बहुत ज्यादा लंबी हो जाती है फिर वीडियो, अगर मैं आपको MID वगैरह के बारे में भी इसी वीडियो में बताऊंगा तो भाई आपको मतलब ये सारी चीज मैं आपको अलग बता दूंगा वीडियो में। और अगर भाई अब हम यहाँ पे बात करें तो भाई यहाँ पे भी ना आपको ऐसी मतलब ऐसी स्क्रीन मिल जाती है जो कि भाई सही है, अपने ब्लूटूथ चाहिए आदमी को अगर कोई मतलब भाई कितना ही बेसिक से बेसिक हो भाई इंफोटेनमेंट, पता भाई ब्लूटूथ होना चाहिए गाड़ी में। कुछ तो है नहीं बस मतलब ब्लूटूथ वाला है, यहाँ पे ब्लूटूथ की बैजिंग दे रखी है इन्होंने होंडा वालों ने करके। और यहाँ पे ऐसे कुछ मतलब हैजार्ड लैंप ऑन ऑफ करने के लिए। और यहाँ पे भाई आपको ऑटोमेटिक एसी मिलता है जो कि भाई यहाँ टच बटन के साथ में है। तो मतलब भाई यहाँ से फैन स्पीड कंट्रोल कर सकते हो इसकी, यहाँ से आप एसी का टेम्परेचर वगैरह बढ़ा सकते हो कम कर सकते हो, एकदम लो गया है अब। और यहाँ से आप चाहो तो यहाँ फ्रंट पे अगर चाहो तो फ्रंट में आएगी हवा शीशे पे, यहाँ से चाहो तो आप मतलब रियर डिफोगर ऑन हो जाएगा। यहाँ से आप गाड़ी के मतलब हवा अंदर रहनी चाहिए बाकी ये बाहर के लिए, ये एसी ऑन ऑफ करने के लिए। अब एसी ऑन हो गया, अब एसी ऑफ हो गया यहाँ पे दिखाता है। अगर आपको एसी बंद करना है तो आप यहाँ से कर सकते हो, बाकी अगर आप ऑटो पे दबाओगे तो गाड़ी मतलब अपने हिसाब से कंट्रोल करेगी एसी को। तो भाई ये सारी बात हो गई इसके मतलब ये कंसोल जो है ना इसका फ्रंट कंसोल इन सब चीजों की बात होगी। और भाई जिसमें IRVM आता है वो आपको मतलब मैनुअल मिलता है इसमें। अगर आप इसका टॉप मॉडल लोगे तो टॉप मॉडल भाई आपको सनरूफ मिल जाता है, तो मतलब भाई उसमें तो अलग ही लेवल के फीचर हैं। और यहाँ नीचे अगर मैं आपको दिखाऊं तो नीचे आपको मतलब 12 वाट का सॉकेट मिलता है, तो पेन ड्राइव लगाने के लिए जगह मिल जाती है, दो ग्लास होल्डर मिल जाते हैं, बाकी कोई ज्यादा स्पेस वगैरह है नहीं यहाँ पे। यहाँ पे भी आप कुछ सामान वगैरह रख सकते हो अपना। यहाँ आपको गियर नॉब मिल जाता है, इसमें आपको 6 गियर मिलते हैं और एक रिवर्स गियर मिलता है। इसमें रिवर्स गियर भाई ऐसे नहीं डालते, इसमें रिवर्स गियर एकदम कोने पे करके ऐसे डालते हैं। तो मतलब भाई ये चीज भी बढ़िया अपनी। और जैसी देखो मैं रिवर्स गियर ऑन करूंगा ना तो भाई देखो यहाँ पे ऐसे दिखाएगा, ये सारी चीज करवाई है इन्होंने, तो भाई मतलब ऐसे कुछ चल जाती है जब रिवर्स गियर डालते हैं। तो भाई ये सारी बात हो गई इसकी फ्रंट की। तो भाई फ्रंट में कुछ ज्यादा मतलब बेसिक फीचर दे रखे हैं भाई, भाई थोड़े बहुत फीचर इसमें बढ़ा भी रखे हैं, मतलब जैसे ऑटोमेटिक ऐसे होगा, क्रूज कंट्रोल हो गया, भाई यहाँ पे इतने तगड़े तगड़े फीचर है, तो मतलब भाई फीचर बढ़िया भी दे रखे हैं इसमें। और भाई यहाँ पे आपको ऐसे पार्किंग ब्रेक मिल जाता है, आपको आर्म रेस्ट भी मिल जाती है यहाँ पे। और भाई यहाँ पे आपको मतलब सीट अपनी सिंपल फैब्रिक की मिलती है। अब बात कर लेते हैं भाई इसमें कि आपको रियर साइड में जो सीट मिलती है वो कैसी है। तो भाई अब रियर सीटिंग की बात कर लेते हैं इस गाड़ी की। तो भाई यहाँ पे भी दरवाजे पे आपको ऐसे मतलब ट्विटर और स्पीकर और बाकी पावर विंडो के स्विच मिल जाते हैं। और भाई स्पेस तो बहुत है भाई गाड़ी में, मतलब बैठने के बाद ना काफ़ी ज़्यादा स्पेस मिल जाती है आपको गाड़ी में। मतलब भाई यहाँ 3 जने कंफर्टेबली बैठ सकते हैं आराम से। और मतलब भाई लेग स्पेस बहुत ज़्यादा है यार इस गाड़ी में, मतलब भाई ये सीट मैंने अपने हिसाब से रखी है भाई। और उसके बाद भी बहुत ज़्यादा तगड़ा स्पेस है भाई, मतलब एकदम तगड़ा स्पेस है इस गाड़ी में। यहाँ पे आपको ऐसे कुछ AC वेंट मिल जाते हैं इस गाड़ी में। तो भाई पीछे ज़्यादा कुछ तो है नहीं इस गाड़ी में। और रेयर साइड में भी अगर हम बात करें तो भाई रेयर में भी आपको कुछ ऐसी वो मिल जाती है, तो विंडशील्ड बहुत ज़्यादा नीचे तक आ रही है इसमें। तो भाई ये था इस वीडियो में, बाकी भाई मैं आपको एक बार इसका बूट स्पेस भी दिखा देता हूँ। तो भाई उसके लिए आपको कोई फिजिकल बटन नहीं दे रखा है इसमें, आपको चाबी से अनलॉक करनी पड़ेगी बूट अगर आपको खोलनी है। तो बूट खोलने के लिए यहाँ पे एक दे रखा है लीवर, तो जैसे ही मैं इसको करूँगा तो एक साथ खुल जाएगा यहाँ। और अब मैं दिखा देता हूँ एक बार आपको खोल के कि बूट स्पेस आपको कितनी मिल जाती है। भाई बूट स्पेस आपको कुछ ऐसी मिल जाती है इस गाड़ी में भाई, काफ़ी ज़्यादा इनफ है। और जितनी बूट स्पेस होगी वो मैं आपको यहाँ पे दिखा दूँगा, आपको लिखा जाएगा कितनी बूट स्पेस आपको मिलती है इस गाड़ी में। तो मतलब भाई सही है अपने भाई, बहुत ज़्यादा बढ़िया। आप इसमें चाहो तो एक आदमी आराम से बैठा लो अंदर, कोई मतलब लेट डालो इसमें। और भाई यहाँ पे आपको कोई इंसुलेशन वगैरह मिलती नहीं है इस गाड़ी में, तो भाई इसको कर देते हैं बंद। तो भाई ये था इस वीडियो में, बाकी आप कमेंट करके बताना कि मतलब भाई आपको होंडा सिटी कैसी लगी। तो मतलब भाई अगर मैं फीचर वाइज बताऊँ ना आपको इसमें, तो भाई फीचर वाइज में कोई दिक्कत नहीं है, मतलब टॉप फीचर दे रखे हैं भाई। जिस हिसाब से प्राइस रेंज है ना इसकी भाई, प्राइस के हिसाब से बहुत ज़्यादा तगड़े तगड़े फीचर हैं इसमें, मतलब ऑटोमेटिक चीज़ें ज़्यादा दी हैं इसमें, इसी वजह से मतलब लोग अट्रैक्ट भी होते हैं इसके ऊपर। तो भाई मतलब ये था इस वीडियो में, बाकी आप कमेंट करके बताना आपको कैसी लगी ये गाड़ी। तो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद, थैंक यू सो मच।